पत्थर के रास्ते वाली बात पूरी हुई और दूसरा है नाम बदलोगे तो ताकत मिले। अरे वो तो एक जेब में रखने वाली चीज है, मैं कुछ नहीं जानता। उससे तेरा मेल नहीं हो सकता, मेरी बात मुझे वो चाहिए। यमन बिस्तर पर किला हमारा, यमन के बिस्तर पर सोने से किला हमारा, मतलब यमन रानी के बिस्तर पे सो जाने के बाद, यानी जब वो सो जाएगी ये किला हमारा हो जाएगा। हरे रंग के मेंढक राज, ये कैसा अन्याय है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बेताल के हाथ ही लग जाता। पुदीने की चटनी समझ कर चाट लो ना भैया। अरे मेंढक जी, पवल मल्ली कहाँ है। ये क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ओहो, पवल मल्ली बेचारी ऊपर चली गई क्या। अरे वो बुद्धू, क्या बोले। किले के ऊपरी भाग में है, कुछ समझा क्या। पूरे हो गए और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ दोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काला कलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच पता कौन है तू, किस मकसद से इस वेताल किले में आया है। जवाब दे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या। कुछ नहीं बस ऐसे, मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो बेताल जाति का है या नहीं मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आई। दे दी ना। दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वैताल हूँ या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वैतालों को। तुम
पिघलते बर्फ हो मगधीरा और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर पुली। तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है। रानी को मुझ पे कोई संदेह नहीं है, बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है, तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, तुमसे लड़ूं या तुम से लड़ो। अरे ये क्या कर रहा है, खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं बिल्कुल नहीं रानी। अरे जी क्या है, दवा का असर शुरू होकर 8 निमिष पूरे हो गए हैं। तब तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की, ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुराइये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे।
इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। ध्वनि सुनाई दे रही है। मुझे तो वो भी नहीं सुनाई दे रही। क्यों भैया? क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को मरा समझ। राजकुमारी मंतागिनी की शादी महावीर मगदेरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। निकालकर